सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। दिवाली की रात पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर द्वार सभी दूर दिए जल रहे थे। गांव की मान्यता के अनुसार लोग मंदिरों की देहरी पर और कुएं पर लगाने के लिए दिए लेकर जा रहे थे। लतिका जो शहर से अपनी दादी के यहाँ आई थी, आसपास की लड़कियों के साथ वो भी दिया लगाने मंदिर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सूनी झोपड़ी पर पड़ी जहां दिवाली के दिन भी अंधेरा था। अपने साथ की सहेलियों को बिना बताए लतिका एक दिया उस झोपड़ी पर भी रखाई। लतिका ने जैसे ही दिया रखा, तेज हवा के झोंके से बुझ गया। लतिका की सहेली की निगाह जैसे ही उस पर गई, वह तुरंत लतिका का हाथ पकड़कर उसे उस झोपड़ी से दूर ले आई। अपनी सहेली का इस तरह बर्ताव लतिका को अजीब लग रहा था। क्या हुआ, इस तरह जोर से क्यों पकड़कर मुझे वहां से दूर लेकर आई है? दिया बुझ गया है, उसे लगा देने दे। जिंदा रहेगी तो और दिए लगा लेना, फिलहाल यहाँ से जल्दी चल। अपनी सहेली की बात लतिका को कुछ समझ नहीं आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गर्भवती है। अचानक तेज हवा आई और उस महिला के चेहरे से घूंघट ढक गया। लतिका के देखते ही देखते वो महिला एक कंकाल में बदल गई। ये सब देख लतिका जोर से चीखते हुए बेहोश हो गई। लतिका की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतिका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थी। बेटा, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया था तुझे? दादी, वो झोपड़ी। लतिका कुछ और कह पाती उसके पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबा लिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है, उसी कारण कमजोरी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ दिन गांव में रहेगी तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। लतिका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी को सच बताने से क्यों रोक दिया। सही कह रही है बेटा तू, मैं आज से ही इसका दुगना ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कहकर दादी वहाँ से चली गई। दादी के जाते ही लतिका हैरानी से अपनी सहेली की ओर देख रही थी। मुझे पता है तेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस इतना पता है, कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है, मगर क्यों? कोई तो कारण होगा। गांव के लोग एक कहानी सुनाते हैं, वही मुझे पता है। कहानी? कैसी कहानी? आजादी के पहले का गांव। बहुत साल पुरानी बात है, तब शायद देश भी आजाद नहीं हुआ था। गांव में जमींदारों का शासन हुआ करता था। गांव के एक किसान की बेटी फूलमती बिल्कुल फूलों की तरह खूबसूरत थी। गांव के जमींदार के बेटे की निगाह उस पर पड़ी तो वो अपना दिल हार बैठा। मगर कहां एक किसान की बेटी और कहां जमींदार। पुराने जमाने में तो जाति प्रथा और भी ज्यादा थी। ठाकुर साहब, आपका और हमारा कोई मेल नहीं है, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे फूलमती, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जमींदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फूलमती उन पर भरोसा करने लगी। दोनों अपनी हद से आगे बढ़ गए, नतीजा फूलमती की गर्भावस्था। फूलमती, तुम ये किसी और का पाप हम पर नहीं डाल सकती हो। हम सच कह रहे हैं जमींदार साहब, यह आपका ही खून है। जमींदार उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए पंचायत में ले गया। सरपंच जी, देखो क्या जमाना आ गया है, लड़कियां बिन ब्याही माँ बनने वाली है और अपनी नाजायज औलाद को मेरे मत्थे मर रही है। झूठ बोलने के पहले भगवान से डरो जमींदार, ये तुम्हारी ही औलाद है। फूलमती की बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जमींदार के कहने पर फूलमती को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। फूलमती रोते हुए उस झोपड़ी में रहने लगी। कई बार उसने सोचा कि मर जाऊं, मगर अपनी होने वाली संतान का ख्याल कर उसने मरने का इरादा छोड़ दिया। फूलमती को अकेला पाकर कई लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते, मगर फूलमती सबको मुंह तोड़ जवाब दे देती। समय बीत रहा था। अकेले अकेले रहकर फूलमती ने धीरे धीरे खुद से ही बातें करना शुरू कर दिया। कभी खूब सजती सवरती,
खुश होती तो कभी एक विधवा की तरह पूरे साज श्रृंगार उतार कर मातम मनाती। उसकी हरकत से गांव वाले डरने लगे थे। उन लोगों के लिए वो जिंदा भूत बन गई थी। कोई भी उसके आसपास नहीं आता था। लोग उसका नाम तक भूल गए थे। सब उसे कुलक्षिणी कुलटा के नाम से ही बुलाते थे। मगर सिर्फ वो जानती थी उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे प्यार में धोखा मिला है। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी। गांव में पूरा अंधेरा हो गया। सभी लोग घरों में दिए की रोशनी में बैठे थे। फूलमती प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। पूरे घर में अंधेरा था। उसकी चीख सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी। बिना किसी की सहायता के फूलमती ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे के खातिर फूलमती सारी तकलीफ सहन कर रही थी। जब वही नहीं रहा तो उसी रात फूलमती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने फूलमती और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहा, मगर जैसे ही वो झोपड़ी में दाखिल होने लगे, दरवाजे पर ही बड़ा सांप पहरा दे रहा था। लोगों की कोशिश के बावजूद भी सांप ने किसी को भी झोपड़ी में दाखिल नहीं होने दिया। लोगों ने कुछ समय तक कोशिश करी, मगर जब सांप ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया तो लोगों ने उस झोपड़ी की ओर झांकना छोड़ दिया। धीरे धीरे फूलमती और उसके बच्चे की लाश सड़कर कंकाल बन गई। बहुत दिनों तक एक सफेद साड़ी जिससे फूलमती ने आत्महत्या की थी उस झोपड़ी में लटकती रही। पहले वो सफेद साड़ी लोगों को फूलमती के होने का एहसास कराती थी, मगर कुछ दिनों के बाद सच में लोगों को फूलमती की आत्मा नजर आने लगी। वो कभी छोटे बच्चे को गोद में लिए होती तो कभी गर्भवती के रूप में। फूलमती को मरे हुए कुछ ही समय हुआ था कि जमींदार की हवेली में एक रात जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। गांव के कुछ लोग तुरंत हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक तरफ जमींदार और उसका परिवार एक कोने में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर हवा में उड़ती हुई फूलमती की आत्मा। छोड़ दो मुझे और मेरे परिवार को, चली जाओ यहां से। छोड़ दूं तुझे, तेरे परिवार को? तूने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। हाँ फूलमती, उससे गलती हो गई, भूल जाओ, उसे माफ कर दो बेटा। जमींदार की माँ के कहने पर फूलमती को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ घुमाया। जमींदार की माँ हवा में उड़ने लगी। तुम्हारे बेटे ने जो मेरे साथ किया वो तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अपने बच्चे को नहीं अपनाना था तो ना अपनाता, मगर इस तरह मुझे सरेआम बेइज्जत क्यों किया? उसके कारण मैं अपने घर परिवार से दूर हो गई। मैं सबके सामने कबूल करता हूँ कि तुम्हारी कोख में मेरा ही बच्चा था। मैंने प्यार और शादी का ढोंग किया था। अब मेरी माँ को छोड़ दो। गांव के लोग जमींदार की बातें सुन रहे थे। जमींदार साहब, गांव में आपकी कितनी इज्जत है, आपके एक बार के कहने पर बेचारी फूलमती की बात की सुनवाई नहीं हुई। और पंचायत ने फूलमती को सजा सुना दी। फूलमती बेटा, मैं भी तेरा गुनहगार हूँ, मुझे भी सजा दे। आप लोगों की गलती की सजा मेरी होने वाली संतान और मुझे मिली है। हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। फूलमती और सरपंच को बात करते देख जमींदार अपने परिवार को लेकर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश के कारण अचानक फूलमती गुस्से में लाल हो गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। जमींदार, धोखा देना तेरी फितरत है, आज भी धोखा देकर जा रहा है, अब किसी को धोखा देने के काबिल नहीं बचेगा तू। कहते हुए फूलमती ने अपना हाथ घुमाया। जमींदार उसके हाथ की तरह गोल गोल घूमने लगा। खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर फूलमती ने उसे तेजी से जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके सर के टुकड़े हो गए। पूरे जमीन पर खून फैला हुआ था और जमींदार के परिवार के लोग भी एक एक करके फूलमती के गुस्से का शिकार होकर मारे गए। उस दिन के बाद अक्सर फूलमती लोगों को नजर आती, मगर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ जो लोग किसी को धोखा देते हैं, फूलमती की आत्मा उन्हें ही सजा देती है। लोग उसे कलंकनी बुलाते थे, इसीलिए उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली। लोगों की कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी झोपड़ी के आसपास रोशनी का इंतजाम नहीं हो पाया। आज भी तुम उसकी झोपड़ी को रोशन करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शायद वो तुम्हें नजर आई। कौन कौन नजर आया? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं दादी, ये तो बस ऐसे ही
मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी, आप लतिका का ख्याल रखना। दादी ने जाती हुई सहेली का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। कहीं तुम दोनों भी उस फूलमती की झोपड़ी के पास तो नहीं गई थी वहाँ पर रोशनी करने? कहती हुई दादी के अंदर फूलमती का अक्स नजर आ रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।